नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न क्रमांक 4, प्रश्न क्रमांक 5 और प्रश्न क्रमांक 6 को। तो ध्यान से समझना। तो देखिए, समांतर श्रेणी के बारे में हमने क्या पढ़ा है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। इसको हम एपी के द्वारा दर्शाते हैं। इसका एनवा पद कहें या फिर अंतिम पद कहें, दोनों का एक ही फार्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और यदि हम देखें समांतर श्रेणी का हमें योगफल निकालना है, तो योगफल निकालने के लिए दो फार्मूले होते हैं। एक तो फार्मूला होता है जब हमारे पास अंतिम पद एल हो, तब आपको नीचे वाला फार्मूला लगाना है, और एल नहीं होता है तो आप ऊपर वाला फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए, प्रश्न 4 है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एक समांतर श्रेणी है 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो देखिए, यहां एक हमें समांतर श्रेणी दी गई है। अब देखिए, कहा गया है कि समांतर श्रेणी के कितने पद का योगफल 636 होगा। तो हमें यहां पदों की संख्या ज्ञात करनी है, मतलब n का मान ज्ञात करना है। देखिए, हमें जब समांतर श्रेणी पता है तो पहले हम a और d के मान ज्ञात कर लेते हैं। a का मान यहाँ पे पहला पद 9 हो जाएगा, और d सार्वांतर होता है जो दूसरे में से पहला पद घटाना होता है। 17 में से 9 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब देखिए, कहा गया है 636 योग है तो कितने पद लिए जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं इस समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sn बराबर जो कहलाता है वो कितने के बराबर लेते हैं, 636 के। अब यहाँ पे हमें n का मान ज्ञात करना होगा। देखिए, Sn योगफल के दो फार्मूले थे, एक अंतिम पद वाला था, लेकिन अंतिम पद की कहीं बात नहीं है, अंतिम पद हमें पता नहीं है, तो अंतिम पद वाला फार्मूला नहीं लगाएंगे। हम फार्मूला लगाएंगे एन बटे दो 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी का फार्मूला लगाते हैं। लेकिन बराबर में 636 हमें लिखते चलना है। अब एन का मान देखिए कैसे ज्ञात होता है। तो देखिए, इसमें हम मान रखेंगे ए का और डी का। एन का तो हमारे पास है नहीं, तो एन बटे दो तो वैसे ही लिखा हमने। फिर इसके बाद दो, ए का मान कितना है, 9 है तो 9 लिख दिया, प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस वन, और डी का मान कितना है, 8 है तो 8 लिखा। बराबर में 636 आपको लिखते चलना है। अब आगे देखिए, तो यहाँ पे एन बटे दो फिर लिख देना है। 9 का गुणा 2 से करना तो 18, प्लस 8 का गुणा n से किया तो 8 n, 8 का गुणा 1 से करेंगे तो 8 ही कम 8 हो जाएगा। और यहाँ बराबर 636 चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देना, n बटे 2 तो लिखा हमने अभी। अब देखिए, यहाँ पे 8 n पहले लिख देते हैं, फिर देखिए 18 में से 8 घटाएंगे तो प्लस के यहाँ 10 बच जाएंगे, बराबर है 636। अब ध्यान देना, यहाँ n बटे 2 का हम 8 n से गुणा करेंगे तो 2 से 8 कट जाएंगे 4 बार, तो 4 n और n ये था, तो यहाँ 4 n वर्ग n बटे 2 का 10 से गुणा, तो 2 एकम 2, 2 पंची 10, 5 बार कटेगा 5 का n से, 5 n आ जाएगा। 636 हम पक्षांतर कर लेते हैं इस तरफ, तो माइनस के हो गए, बराबर में कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिए, यहाँ एक द्विघात समीकरण हमें प्राप्त हुआ है। अब हम इसे गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो कैसे किया जाता है, बीच का पद दो भागों में तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, 636 का गुणा 4 के साथ करेंगे। तो देखिए, जब 636 का 4 के साथ गुणा होगा तो 2544 आएगा। इसके गुणनखंड हमें ऐसे लेने हैं, यहाँ माइनस के आए हैं तो माइनस करने पर घटाने पे 5 आ जाए, तो यहाँ पे आपको 53 * 48 लेना होगा। तो 53 * 48 होते हैं 2544, और घटाएंगे तो 5 भी मिल जाएंगे, लेकिन प्लस का 5 चाहिए तो प्लस की बड़ी माइनस की छोटी कर देते हैं, तो
तो यहाँ पे 4n वर्ग प्लस के यहाँ पे हम 53n कर देते हैं, माइनस के 48n कर देते हैं और फिर माइनस 636 लिखा बराबर 0। अब हम कॉमन लेना शुरू करेंगे, यहाँ 4 यहाँ 53, 4 और 53 में कोई संख्या कॉमन नहीं है लेकिन n वश कॉमन जरूर आएगा, तो n कॉमन ले लिया हमने। अब यहाँ 4 तो बच गए, n वर्ग में से 1n कॉमन लिया, 1n बच जाएगा, प्लस 53 यहाँ बच गए हैं, n कॉमन निकल गए हैं, फिर माइनस चिन्ह। अब यहाँ भी तो हमें 4n प्लस 53 लिखना पड़ेगा बराबर 0 है। अब देखिए यहाँ 48n थे और बचे यहाँ 4n है, तो कॉमन क्या लिया होगा, तो 48 में 4 का भाग देंगे तो 12 चौके 48 मतलब 12 कॉमन निकल गए होंगे। और आगे देखिए, अब यहाँ ये संख्या दो बार है जो उसे हम एक बार लिख देते हैं, 4n प्लस 53 एक बार लिखा, बाकी n माइनस 12 हम दूसरी बार लिख देते हैं बराबर 0। अब हमें अलग अलग एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0 लेना है, तो अब हमने इसके बराबर 0 लिया और इसके बराबर 0 लिया। यहाँ पे देखिए तो यहाँ 53 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 53 हो जाएगा और यहाँ पे 4n बराबर माइनस 53 और n बराबर हो गया माइनस 53 बटे 4 और यहाँ पे देखें तो n बराबर माइनस 12 है, उस तरफ गया तो प्लस का 12 हो गया। अब ध्यान देना एक चीज, n क्या है, यहाँ पे पदों की संख्या है और जब पदों की संख्या है तो वो ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती है, तो यहाँ n बराबर माइनस 53 बटे 4 जो संभव नहीं है मतलब असंभव है, तो यहाँ n बराबर माइनस 53 बटे 4 जो असंभव है ये तो हम नहीं ले सकते, तो बचा क्या n बराबर 12, तो 12 हमारा उत्तर हो जाएगा। हम लिख सकते हैं आता है 636 योग प्राप्त करने के लिए जो दी गई समांतर श्रेणी है उसके 12 पद लेने चाहिए। तो प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ। अगला पांचवा सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, यहाँ हमें a का मान 5 दिया है, अंतिम पद मतलब यहाँ पे l बराबर कितना दिया गया है 45 दिया गया है और योग कितना दिया गया है, योग मतलब यहाँ s n का मान हमें दिया गया है 400 और ज्ञात क्या करना है, पदों की संख्या मतलब n का मान ज्ञात करना है और सार्वंतर d का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमने ज्यादातर आपको बताया है कि जो चीज हमें दी जाती है उन्हीं के फार्मूले हम लगा देते हैं, तो यहाँ भी यदि हम देखें l का मान हमारे लिए दिया गया है कितना 45, तो यहाँ l का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर लिखा 45। अब देखिए a का मान तो हमारे पास 5 है, 5 रख दिया, n माइनस 1 इंटू डी, डी का तो है नहीं, n का भी नहीं है 45 और यहाँ 5 का पक्षांतर कर देते हैं तो n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45, 5 उस तरफ गए माइनस के हो जाएंगे। अब यहाँ n माइनस 1 इंटू डी बराबर कितना आ गया 40 आ गया, इसको हमने समीकरण 1 का नाम दे दिया। अब आगे ध्यान देना, दिया गया है Sn बराबर, तो हमने लिखा कि तथा Sn बराबर हमें दिया गया है 400। अब ध्यान देना Sn के दो फार्मूले होते हैं, यहाँ L का मान हमें पता है तो L वाला फार्मूला ही हम लगा देंगे फिर, तो यहाँ Sn का फार्मूला n बटे 2 a प्लस L होता है, यही फार्मूला हमें लगाना पड़ेगा क्योंकि L हमारे पास है बराबर 400 है तो 400 लिखे हमने। अब n का मान तो हमारे पास नहीं है n बटे 2, a का मान है हमारे पास 5 और l का मान 45, तो यहाँ 5 प्लस 45 हमने लिखा बराबर है 400 के। और आगे यदि हम सॉल्व करेंगे तो n बटे 2 यहाँ पे 5 और 45 हो गए 50 बराबर चल रहा है 400। अब देखिए 2 से 50 को काटेंगे 25 बार कट जाएंगे तो 25 इंटू n 25n यहाँ आ गए बराबर है यहाँ पे 400 के। अब n का मान यदि हम निकालना चाहें तो n बराबर 400 बटे में कितना आ जाएगा 25,
25 से फिर हम भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, देखिए 25 एकम 25 होगा, यहाँ 40 थे हुए 25 हैं, 15 बच गए और एक जीरो और उतारा तो 150, तो 25 छक्के 150, तो n का मान कितना आ गया है, 16 आ गया है। तो n तो हमें ज्ञात हो गया कि 16 है, n का मान समीकरण एक में यदि रख दें तो d का मान मिल जाएगा। n का मान समीकरण एक में रखेंगे तो n की जगह 16 रखेंगे, तो यहां 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर है 40, तो यहां 16 में से एक घटाया 15 इंटू डी, 15 डी का मान 40 हो गया, तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 40 15 गुणा में जो थे वो बटे में आ जाएंगे। अब 15 का भाग 40 में तो नहीं जाता है, लेकिन 5 से जरूर काट सकते हैं, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा और 5 तेरी 15 हो जाएगा, तो डी का मान 8/3। और हम अंत में लिख देते हैं, अतः इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या जो पूछी गई है n बराबर 16 है और सार्वंतर जो d पूछा गया है वो 8/3 है। इस प्रकार से पांचवा सवाल भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगला छठवा सवाल है, किसी समांतर श्रेणी का पहला पद और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या चीजें दी गई हैं, तो यहाँ हमें पहला पद प्रथम पद दिया गया है 17 है, तो a का मान हो गया 17, और अंतिम पद मतलब यहाँ पे l कहलाता है अंतिम पद, 350 दिया गया है। और हमें क्या दिया गया है, सार्वंतर मतलब d का मान दिया गया है 9। अब ज्ञात करना है इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, एन का मान और फिर उनका योगफल क्या होगा, एस एन का मान क्या होगा, वो भी ज्ञात करना है। तो ध्यान देना, हमें ये तीन चीजें दी गई हैं और ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो चीजें दी जाती हैं यदि उनके फार्मूले होते हैं तो वही लगा देना। अब एल बराबर 350, देखिए ए का कोई फार्मूला नहीं है, डी का कोई फार्मूला नहीं है, एल का फार्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अंतिम पद या n वा पद एक ही बात होती है, तो ये दिया गया है बराबर 350, a का मान 17 रख देना, n तो हमें पता नहीं है, n माइनस वन, d का मान 9 है तो 9 लिख दिया, बराबर 350। अब देखिए 17 का हम पक्षांतर कर देंगे तो n माइनस वन इंटू 9, 350 माइनस हो जाएगा 17। अब 350 में से 17 यदि आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 333 आ जाएगा। अब यहाँ n माइनस वन 9 गुणा में है, गुणा वाली संख्या आ जाती है यहाँ पे बटे में। अब 9 का भाग करेंगे तो 9 का भाग कितनी बार जाएगा, देखिए 9 का भाग 33 में दिया तो 9 3 27 बच गए 6, हो गए यहाँ 6 5 3 63, 9 7 63, n माइनस वन बराबर 37, तो n बराबर 37, माइनस का वन उस तरफ ले गए तो प्लस का वन हो गया, तो n बराबर 37 और एक कितना हो गया 38, तो n का मान हमने ज्ञात कर लिया 38। तो इसमें कितने पद हैं हमें पता चल गया, 38 पद हैं। अब हमें इनका योग निकालना है, मतलब s n का मान निकालना है, तो हमने लिखा इसीलिए s n बराबर, अब एस एन के दो फार्मूले होते हैं, यहां हमारे पास अंतिम पद पहले से है तो अंतिम पद वाला लगा दें, एन बटे दो ए प्लस एल होता है, आपको पता होगा, तो ये फार्मूला हम लगा देंगे। अब हम इसमें मान रखेंगे तो एन का मान है 38, 38 बटे दो, ए का मान प्रथम पद कितना है 17 है तो 17 लिखा, और L का मान 350 है तो 350 लिखा। आगे देखिए 38 बटे 2 मतलब हो जाएगा 19, और यहाँ 17 और 350 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 367, और यहाँ कोष्टक लगा है मतलब गुणा। अब 19 का गुणा यदि आप 367 से कर देंगे तो 6973 हमारा आंसर हो जाएगा एस एन बराबर, तो हम लिख देंगे अतः दी गई समांतर श्रेणी में 9 पद हैं और इनका योग 6973 है। इस प्रकार से छठवां सवाल भी कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।